कि आज देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति का जिस प्रकार से टीएमसी के सांसद के द्वारा मिमिक्री करना, मजाक उड़ाना और दुर्भाग्यजनक पहलू है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा जिस प्रकार से वीडियो बना करके मजाक उड़ाना, ये देश के संवैधानिक पद, देश के उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च सदन के सभापति और भारत के संविधान का अपमान कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने किया है। और जो मजाक बनाने का प्रयास किया है, ये केवल उपराष्ट्रपति का नहीं, 140 करोड़ जनता की भावनाओं के साथ उन्होंने अपमान किया है। देश चाहता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी माफी मांगे, क्योंकि संपूर्ण भारत इस पर आंदोलित है। घोर अपमान हमारे सर्वोच्च संवैधानिक पद का राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने किया है, और जिस प्रकार से देश के अंदर लगातार भारत को अपमानित करने का काम कर रही है कांग्रेस, इंडी गठबंधन, क्योंकि इनके पास कोई बचा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस प्रकार से दुनिया में आज स्थान बना है, तो उन्हें ये पच नहीं पा रहा और लगातार वो भारत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके मन में भारत नहीं, इनके मन में तो इटली है। इसलिए भारत के मान सम्मान से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो आज देश अपमानित हुआ है, कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जवाब देना पड़ेगा। कार्रवाई की मांग भी करेंगे सर आप? कार्रवाई की मांग तो हमने की है, देश से माफी मांगे, और जिस प्रकार से भारत को अपमानित किया है, दुनिया के अंदर रहने वाले भारत के लोग और भारत का एक एक नागरिक आज इस बात से आंदोलित है कि जिस प्रकार से भारत के सर्वोच्च सदन के सभापति का अपमान किया है, वो कांग्रेस ने भारत का अपमान किया है। राष्ट्रपति किसान और जाट का अपमान ही बता रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से ये जो कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर के कांग्रेस के नेता जो झूठ और छल कपट की राजनीति करते हैं, एक और अब ओबीसी की बात कर रहे थे, लेकिन आज आपने ओबीसी वर्ग के देश के उपराष्ट्रपति आपको पच नहीं पा रहे, आपने उनका भी अपमान किया है, जाट समुदाय का अपमान किया है, एक किसान के बेटे का आपने अपमान किया है। तो इसलिए इस देश का किसान, देश का गरीब, देश का पिछड़ा वर्ग का लोग आपको माफ नहीं करेंगे, इसका जवाब देश के अंदर आपको जरूर मिलेगा।